Animals. तो हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। आज हम करने वाले अपने साइकिल को नई वाले साइकिल। तो ये साइकिल का टायर पंचर हो चुका है और ब्रेक्स भी नहीं लग रहे हैं, तो बहुत कुछ इसका प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम को हम अच्छा कर आपको दिखा देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इसका प्रॉब्लम थोड़ा बता देता हूँ। तो ये नीचे वाला टायर तो पंचर हो चुका है, जिस हफ्ते पूरा ऐसा हो चुका है। तो सामने वाला टायर भी पंचर हो चुका है, तो इसका ब्रेक प्रॉब्लम भी थोड़ा लूज हो चुका है और पीछे वाला नट भी निकल चुका है। तो हमें यहाँ पूरी प्रॉब्लम आज अच्छे कर अपनी साइकिल को नई बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पीछे वाले टायर को पहले हम हवा मार देते हैं, तो इसके बाद हम आगे अपने ब्रेक और नट को डालकर आपको दिखाएंगे। तो पहले मैं अपने पीछे वाले टायर को हवा मार देता हूँ। तो ये है हमारे पास हवा मारने की थोड़ी मशीन, जिसे आप देखते हैं एयर पंप बोल सकते हैं आप इसको। तो चलिए अब मैं इसको हवा मार देता हूँ। सामने भी हवा मार दिया है, तो बहुत घट चुका है टायर। तो पीछे वाला टायर भी अच्छा तरह से घट चुका है। तो मैं अब अपने ब्रेक की तरफ में जाता हूँ। ब्रेक सिस्टम वो नीचे वाला है, तो इसमें दो आपको स्टील वाले मिलेंगे, तो मैं इसमें फाइबर वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं, तो आपको इन नट इसको खोलना पड़ेगा। कुछ इस तरह मैं खोल रहा हूँ। जैसे आप नट खोलेंगे तो ये पूरा तरीके से खुल जाएगा नट। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्रेक वायर को खींचना है। मैंने खींच दिया है। तो नेक्स्ट आपको इसको अपने नट को हाथ से फेरा देना है। आपके हाथ से थोड़ा फिराना है, उसके बाद कटिंग बेल्ट से फिराना है। तो ये वाला मेरा कटिंग बेल्ट, तो मैंने इसको पकड़ लिया है, तो मैं फिरा दूंगा। आपको ये नट को बहुत टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नट खुल गया तो आपका ब्रेक वेयर निकल जाएगा। तो मैंने इसको पूरा टाइट तरह से टाइट कर दिया है। तो ये वाला ब्रेक वायर मैंने खींच दिया था और ये टाइट हो चुका है। तो ऐसे आप अपने ब्रेक को आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट जाते हैं अपने पीछे वाले नट की तरफ। तो दोस्तों, ये मेरा
साइकिल का पीछे वाला पार्ट है, तो मैंने पहले कह दिया था कि इसके पीछे हम नट डालेंगे। तो फिलहाल मेरे पास नट नहीं था, तो मैंने ये वायर ले लिया, तो मैं वायर इसके अंदर डाल देता हूँ। पहले पीछे वाले इसके अंदर डाल देता हूँ। ऐसे डाल देने के बाद हम इसको ऐसा पीछे ले लेंगे। इसके पहले मैं इसके अंदर ये होल के अंदर मैं डाल देता हूँ पहले। तो मैंने ये होल के अंदर डालकर इसके स्टील के पीछे के होल के अंदर डाल दिया है। तो मैंने वो साइड से ये वायर को काट लिया है। तो हम कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ इस तरह इसके ऐसे कर कर इसको खींचना पड़ेगा। तो मैंने पूरी तरह से इसको खींच दिया है। खींचने के बाद आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अब मैं कट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट यूज भी आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लपड़ लूँगा। तो मैं इसको बाद में कट कर लूँगा, फिलहाल मैं अपने साइकिल को क्लीन कर लेता हूँ पहले। तो नेक्स्ट मिशन है हमारे साइकिल को क्लीन करने का। तो चले मैं आपसे अपने साइकिल को क्लीन कर कर आपको दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी के लिए बाय बाय। और आगे ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, तो मैं वीडियो अच्छी तरह से बना दूंगा। तो चलिए बाय बाय।